जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, आभार है। आप जो हमारे चैनल को इतना प्यार, स्नेह, सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप पर बाबा महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, अपनी मस्ती में रहें, यही दुआ है बस हमारी। आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको निशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में बात करते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, उन्हें यह मौके जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह मौके अगर वो छोड़ते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ देह विषय बनती है। सबसे पहली बात, मकर राशि के जातकों से एक निवेदन है मेरा कि वो कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले उठे, यह मौका बिल्कुल ना छोड़े। सूर्य उदय से आप पहले उठें, क्योंकि आपकी राशि का प्रमुख शनि है, शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, तो अगर आप पहले उठेंगे सूर्य से, तो ऐसे भी सूर्य डोमिनेट करता ही आपकी राशि में, मतलब सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अब शनि प्रमुख आपकी राशि है, इसलिए अगर आप सूर्य उदय से पहले उठेंगे और उगते हुए सूर्य को यदि जल चढ़ाएंगे तो बहुत सारी आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, ये मैंने हज़ारों लोगों को ये बात बतलाई है, उन्हें फ़ायदा भी हुआ इस बात से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना बिल्कुल कतई ना भूले, क्योंकि आपके लिए जो पॉजिटिव शनि का होता है, मतलब शनि जो आपको चीज़ें दे देता है, देने से मेरा अर्थ है कि जो शनि की कृपा आपके ऊपर होगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगी और बहुत ही गजब के परिणाम वो दे जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, वो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना है शनिवार के दिन, शुक्रवार ना कभी लगाएं, रविवार भी ना लगाएं, और सिर्फ उसी दिन लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं कंटिन्यू, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो दिन है बाकी बचे हुए, उनमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ तीसरी बात की, जो ये मौका भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए कि सोमवार, शनिवार और मंगलवार के दिन खड़े होकर सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस मौके को भी आप बिल्कुल ना छोड़ें दोस्तों। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। इस बात को भी आपको मैं इंगित और पहले से ही आपको बतला देता हूँ। अब मैं बात एक और विशेष बात आपको लिए कह देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सकारात्मक रहें, कहीं भी किसी भी बात को लेकर नकारात्मक थॉट ना तो दिमाग में आने दे, और ना ही आप नकारात्मक सोचे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। खुश होने का कोई भी बहाना हो सकता है, यह मौका तो जीवन में छोड़ना ही नहीं चाहिए। खुशी छोटी हो या बड़ी, लेकिन खुश होना चाहिए। हंसने का भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मुस्कुराइए, अपने होठों पर मुस्कुराहट रखें दोस्तों, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। अगर आप ये जीवन में ये मौके, बहुत छोटे छोटे से मौके हैं, इन मौक़ों को यदि भुनाते हैं तो कहीं कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं होगी, आप हंसते खुलते मस्त मस्त रहेंगे। रही बात व्यवहारिकता की, लोगों से व्यवहार बनाए, लोगों से मिले जुले, उनकी समस्या सुने, और अगर आपके पास हल हो तो उन्हें बतलाए, आप किसी प्रकार से मदद, कोई जानकारी दे दें अगर किसी व्यक्ति को, तो भी उसकी यह मदद की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।